नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में हंगामा चल रहा है, लेकिन ये हंगामा अलग अलग कारणों से चल रहा है और लोगों को दिग्भ्रमित करके एक तरह से मुद्दे को मिश्रित कर दिया गया है, मिला दिया गया है। नॉर्थ इंडिया में आंदोलन किसी और कारण से चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में किसी और कारण से आंदोलन चलाया जा रहा है और दोनों कारणों को एक साथ ला दिया गया है। और दूसरी बात और है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी दोनों के बीच भी ऐसे घालमेल कर दिया गया है कि लोग बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गए हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि आंदोलन हो किस आधार पर रहा है, किन लोगों के लिए आंदोलन हो रहा है और किन लोगों को इससे फायदा या नुकसान हो सकता है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पर आंदोलन का आधार कुछ और है। वहां के लोग इस बात से चिंतित हैं कि इस कानून के आने से उन लोगों के साथ जिन लोगों को नागरिकता मिलेगी, वो लोग यहां के नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए हैं और वो बाहर से आए हुए लोग ज्यादातर बंगाल से आए हुए लोग हैं और बंगाल से आए हुए लोगों की भाषा जो है बांग्ला है। और वहां जो नॉर्थ ईस्ट में तो आसाम में सबसे ज्यादा जो आंदोलन चल रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि बांग्लादेश से जो लोग वहां पर आए हुए हैं वो बांग्ला भाषा बोलते हैं और उनकी संस्कृति अलग है और वो लोगों को यहां पर बसाया जाएगा, रखा जाएगा तो इनसे असमियों की संस्कृति और भाषा को नुकसान हो सकता है, वहां एक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। वो एनआरसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो एनआरसी के पूरे समर्थन में है और उन लोगों का मानना है कि एनआरसी से यहां से के घुसपैठिए जो है, जो बांग्लादेश से यहां आए हुए हैं, चाहे शरणार्थी हों या फिर अवैध तरीके से आए हुए लोग हों, वो बाहर कर दिए जाएंगे जिससे कि असम को फायदा होगा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में यही आधार बदल दिया गया है और वो आधार बनाया गया है मुस्लिमों को डर दिखाने का। नागरिकता संशोधन कानून जो बना है उसमें नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है, नागरिकता छीनने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए यहां पर जो आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि इसे एनआरसी से जोड़ कर देखो, मतलब एनआरसी आने के बाद पहले आपकी नागरिकता पे सवाल उठेगा, आपको विदेशी घोषित किया जाएगा और उसके बाद आपको घुसपैठिया करार दे दिया जाएगा, जो बिल्कुल ही गलत अफवाह है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक जगह और है जहां की समस्या बिल्कुल अलग है और वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजनीति बिल्कुल अलग दिशा में चल रही है, ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं और ममता बनर्जी की इसी बौखलाहट के राज को जानने के लिए अभी थोड़ा देर इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको एक एक परत पता चल जाएगा कि आखिरकार ममता बनर्जी इतने गुस्से में क्यों हैं। वो ममता बनर्जी जिन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था, वो वही ममता बनर्जी हैं जो संसद में घुसपैठिए के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय नहीं मिलने के कारण हंगामा खड़ा कर दी थी। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने हमेशा कम्युनिस्ट और कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाते रही हैं कि यहां पर जो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके कारण यहां की व्यवस्था खराब हो रही है और उन्हें किसी भी कीमत पर बाहर किया जाना चाहिए। वही ममता बनर्जी आज एनआरसी का भी विरोध कर रही हैं और साथ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, यहां तक कि सड़क पर आ गई हैं, जबकि वो मुख्यमंत्री हैं और वहां उनकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है और कानून व्यवस्था की समस्या जो भी वहां पर हो रही है उसके पीछे तृणमूल कांग्रेस की सरकार का हाथ है और वो हाथ अगर वो हटा लेती हैं तो उसी तरह से धीरे धीरे वहां हिंसात्मक प्रदर्शन विरोध खत्म हो जाएगा जैसे कुछ दूसरे राज्यों में हो रहा है। तो अगर आप इस पूरे घटनाक्रम पे नजर डालें कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो ममता बनर्जी की नीति रही है वो कैसे बदलती रही है और आज उनका व्यवहार कैसे बदल गया है, तो ये पूरे चीजों को समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी की इस बौखलाहट, इस परेशानी का राज क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अब चुनाव होने वाला है और चुनाव बहुत ज्यादा समय नहीं है और जिस तरह से ममता बनर्जी की स्थिति कमजोर हुई है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ममता बनर्जी के पास वहां जो सबसे ज्यादा जिसके खिलाफ लड़ना है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती दे रही है
और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं और वही हथियार इन दोनों मामलों में उन्हें मिला है। अगर वो जानती हैं कि हम कम्युनिस्ट और कांग्रेस जो दो पार्टियां अगर एक साथ भी आके चुनाव लड़ेगी तो भी हम उसको हराने के लिए काफी हैं। ममता बनर्जी को ये पूरा विश्वास है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी अगर गठबंधन भी बना लेती है तो भी वो हमें हरा नहीं पाएगी और हम उसको आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन भाजपा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उभर रही है उससे उनको खतरा पैदा हो गया है और उनको लगने लगा है कि अब भाजपा के साथ लड़ने के लिए हमें नए मुद्दे तलाश करने पड़ेंगे और इसीलिए वो जो अपनी बातों से ही पलट गई हैं। पहला कारण तो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच का ये सत्ता का संघर्ष है जिसमें उनको लगता है कि भाजपा अब यहां पर तेजी से उभरती हुई पार्टी है और लोकसभा में भी उसने दिखा दिया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब कांग्रेस और कम्युनिस्ट है जो तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला नहीं करेगी बल्कि भाजपा उसके खिलाफ खड़ी है और भाजपा की सरकार आगे बनने वाली है। तो विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा को नीचा दिखाने के लिए वो एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करना चाहती है और वो कंफ्यूजन की स्थिति क्या है इसको अगर थोड़ी गंभीरता से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करने के पीछे भी वोट बैंक की राजनीति है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी वही कर रहे हैं जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था पश्चिम बंगाल में। जैसे अगर असम की बात करें तो असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बांग्लादेश के घुसपैठियों का संस्कृति उसकी भाषा अलग है लेकिन पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी आए हुए हैं उनके साथ ये समस्या नहीं है। और पश्चिम बंगाल में अगर बांग्लादेशी जो आए हैं और वो बंगला भाषी हैं उनकी संस्कृति भी बंगाली है वो इसी आधार पर यहाँ पर भाग के आए थे कि बांग्लादेश के आज़ादी के लड़ाई में वहाँ पर बांग्ला भाषी और उर्दू भाषी जो पाकिस्तान में जंग चल रहा था उसमें वो पिस से गए थे और वो प्रताड़ित होकर यहाँ पर भाग के आए उसके बाद यही रह गए और उन घुसपैठियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उस समय आंदोलन कर रही थी या कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी लेकिन आज स्थितियां बदल गई है। भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून लाया है और इस कानून के तहत पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं और गैर मुस्लिम बांग्लादेशी रह रहे हैं यानी गैर मुस्लिमों में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है तो जो हिंदू बांग्लादेश से भाग के पश्चिम बंगाल में आए हैं और यहां शरणार्थी बने हुए हैं उनके लिए एक बहुत फायदेमंद होगा और उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी आसानी से। जो बहुत समय से यहां शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं जिनका अधिकारों का हनन हो रहा है जिन्हें एक छोटा सा प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्कूल में दाखिले के लिए अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए मकान खरीदने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उनके पास कुछ पैसे तो हैं कुछ कमा रहे हैं लेकिन उनके पास वो आधार नहीं है यानी कि उन्हें भारत की नागरिकता मिली हुई नहीं है उन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। और यह बहुत बड़ा आधार है कि एक हिंदू फैमिली को अगर भारत की नागरिकता मिलती है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं तो उनके इर्द गिर्द के बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं वो भी भाजपा के पक्ष में आ जाएंगे। तो इस बात से ममता बनर्जी इतनी डरी हुई हैं कि उनको लगने लगा है कि इस पर एक ऐसा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जाए ताकि मुस्लिमों का वोट जो मुस्लिमों का वोट इधर उधर बिखरा हुआ है वो हमारे पक्ष में आ और उसके लिए कंफ्यूज करके रख दिए हैं सब लोगों को। ये कहना चाहती हैं कि इस कानून से मुस्लिमों को नुकसान होगा लेकिन ये नहीं कह सकती हैं कि इस कानून से बंगाल के लोगों को यानी पश्चिम बंगाल के हिंदू शरणार्थियों को फायदा होगा। जिस दिन ममता बनर्जी ने ये बात कह दी उस दिन भाजपा का वोट बैंक अभी के अपेक्षा काफी बढ़ जाएगा और यही दिक्कत है कि वो इस बात की सच्चाई को लोगों के सामने रख नहीं रही है और बौखलाहट में वो ऐसे ऐसे बयान दे रही है जिसको देश विरोधी बयान कहा जा सकता है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी यूएन को यहां इंटरफेयर करने की बात कह रही है तो इसका मतलब है कि वो देश के कानून व्यवस्था देश के संविधान और संसद पर से भरोसा लोगों का उठा रही है। तो ये पूरे प्रकरण में ममता बनर्जी एक विलेन की तरह उभर के आई हैं लेकिन वो विलेन की तरह उभरना देश के लिए है वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए एक नकारात्मक भूमिका में आ गई हैं। तो दो स्थितियां यहां पर साफ है क्योंकि पश्चिम बंगाल में असम वाली समस्या नहीं है।
अगर ममता बनर्जी को परेशानी है तो वहां के लोगों को इस बात की परेशानी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी हिंदू हैं जिनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है और वो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, तो न तो उनके साथ उनका सांस्कृतिक टकराव होगा, न भाषा के आधार पर दोनों के बीच टकराव होने वाला है। और उन लोगों की पूरी सहानुभूति इन लोगों के साथ है, वो नहीं चाहते हैं कि फिर से उन लोगों को, मतलब वो गैर मुस्लिम लोगों को जो बांग्लादेश से इसी आधार पर भारत भाग के आए थे, उनको फिर उसी नरक की आग में धकेल दिया जाए जहां पर जाके फिर से उसी तरह से हिंसा और धार्मिक हिंसा का शिकार वो होते रहे और फिर बिल्कुल बिलखते रहे, क्योंकि उनका किसी न किसी तरह से पश्चिम बंगाल में कुछ रिलेटिव हैं, कुछ लोग हैं, संबंधी हैं, और कहीं ना कहीं उनका संपर्क कुछ न कुछ लोगों से रहा है, चाहे नज़दीकी हो या दूर से हो। और ममता बनर्जी इस बात को लेके कंफ्यूज किए हुए हैं, कभी ये बात नहीं कहती हैं कि बांग्लादेश से आए बंगालियों को पश्चिम बंगाल में रखे जाने से उनको दिक्कत क्या होने वाली है, क्योंकि कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। और इस कन्फ्यूजन की स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने कुछ कार्यकर्ताओं, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उनको मुस्लिमों के साथ मिला के बिल्कुल हिंसात्मक आंदोलन पर उतर आई हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जैसे लग रहा है कि पूरा पश्चिम बंगाल जल रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और भाजपा वहाँ कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन ममता बनर्जी की जो पीछे का चेहरा है, जो नकाब के अंदर वो ममता बनर्जी दिखती हैं, वो अब सामने आ गया है और उनकी बौखलाहट का राज सबको पता चल गया है। उनकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी, ये कानून पारित हो चुका है, पास हो चुका है और ये कानून बन भी चुका है, लागू भी होगा और ममता बनर्जी को इसका खामियाजा आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।